गुड मॉर्निंग सर। सर आपको टैक्सी चाहिए? सर एक जगह से दूसरी जगह जाना है क्या आपको? सर कोई बात नहीं सर, मैं बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर को जानता हूँ। सर 2-3-4 मिनट में टैक्सी यूँ पहुँचेगी सर। उस टैक्सी के अंदर एसी लगा होगा, वेल ड्रेस ड्राइवर भी होगा सर, पीने के लिए पानी की बॉटल भी होगी। मुझे उस टैक्सी तक पहुँचाने में 10-20-30 रुपये सर इतना तो चाहिए ना सर। मेरी कंपनी का नाम है सर ओला और मेरी कंपनी करीब 3 खरब की बन चुकी है सर। 8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, 3 खरब की है सर। जब हम दोनों पार्टनर स्टार्ट किया था हमारी उम्र थी 24 साल की सर। मुकेश अंबानी जी और उनके पापा जी को, धीरू भाई जी को 60-70-80 साल में वो खरबपति बने हैं सर। हमने तो अपनी कंपनी को 8 साल में बना लिया सर। हमारा हम लोग इंडिया से हैं सर, किसी वेस्टर्न कंट्री से नहीं है सर। कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास, कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमने कभी टैक्सी नहीं चलाई सर। सब बन गई 8 सालों में खरबों की। सर छोड़िए टैक्सी को सर, आपको भूख लगी है क्या? सर मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट वालों को जानता हूं सर। आपके घर पर खाना पहुंचता मिलेगा, गर्मा गर्म खाना मिलेगा सर। खाना गर्म ना हुआ, खराब हो गया अगर, तो पैसे वापस ला दूंगा उस रेस्टोरेंट वाले को, तो मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा सर, यू कर दूंगा उसको ब्लैकलिस्ट। और सर जिस रेस्टोरेंट से कहोगे सर खाना उस रेस्टोरेंट से पहुंचेगा। सबसे मेरी दोस्ती है सर, 10 साल पहले मैंने खाना पहुंचाने का एक काम स्टार्ट किया था लोगों के घरों में, दफ्तरों में, कारों में। सर जहां कहोगे वहां मैं इस खाने को पहुंचा सकता हूं। अच्छा मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे 30-40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये सर। इन्हीं चुनियों अठिनियों को इकट्ठा कर करके मेरी कंपनी की वैल्यू हो गई है सर 40 अरब रुपये की। और ये सब कुछ हुआ है सर 10 सालों के अंदर। और मेरा नाम है जोमैटो और मैं इंडिया से हूँ सर। गूगल फेसबुक की तरह मैं किसी यूएसए से नहीं हूँ। और सर और तो और मेरी तो और बहुत सारे लोग हैं सर जो इसी ढंग से खाना पहुँचाते हैं सर, मेरे कंपेटिटर बन गए सर, ये स्विगी, ये फूड पांडा, उबर ईट्स। और सर आई एम सॉरी सर, मैं तो आपको बताने ही भूल गया कि सर इन दस ही सालों के अंदर मेरा खाना पहुँचाने का जो काम है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है सर। सर 23 और देशों में खाना पहुंचा रहा हूं मैं सर, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में सर, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूएसए में, इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टर्की, सर 23 और देश है सर। मैं करता क्या हूँ सर? मैं मुंबई के डब्बे वालों की तरह खाना ही तो सप्लाई करता हूँ सर। मैं खाना खुद नहीं बनाता, मेरा तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है सर। डब्बे वाले जो हैं पिछले 100 सालों में काम कर करके, स्टार्ट कर करके वहीं के वहीं मुंबई के मुंबई में रह गए सर। मैं तो इन 10 सालों में 23 और देशों में पहुंच गया सर। मेरा नाम दीपेंद्र गोयल है और मैं पंजाब से हूं और बहुत ही छोटे परिवार से हूं। कोई अमीर भी नहीं था मैं तो सर, नौकरी करता था। 3 साल की नौकरी के बाद जब मैंने इसको स्टार्ट किया पंकज चड्डा के साथ में, तो हम दोनों की उम्र सर 24-25 साल की थी सर। मैं करता क्या हूं? खाना सप्लाई करता हूं और यही कर करके सर मेरी कंपनी जो है आज खरबों की पहुंच गई है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये हो क्या रहा है? 24-25 साल के लड़के आते हैं और 5-7-8-10 सालों में इनकी कमियां खरबों की बन जाती हैं। ये क्या मजाक क्या हो रहा है? हमसे अपने इतने महान दशकों से चले और बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं और ये लौंडे लपाटे पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और मजे की बात, ये करते क्या हैं? ये कुछ नहीं करते, ये टैक्सी सप्लाई करते हैं, खाना सप्लाई करते हैं, ये छोटे छोटे काम करके इनकी कमियां बन जाती हैं खरबों की। अच्छा सुनिए, आपके पास आपके घर में कोई कमरा खाली है क्या? कैसा रहे अगर उसी कमरे को आज रात के लिए आप उसे किराए पर चढ़ा दें? मेरे पास कस्टमर है सर जिन्हें कमरा चाहिए एक रात के लिए, कुछ घंटों के लिए। सही साहब, आपको घर में बैठे बैठाए 500-700 रुपये मिल जाएंगे। हर्ज क्या है सर, ट्राई तो कीजिए। सिक्योरिटी को लेकर चिंता मत करना सर, मैं हूं ना। अगर किसी ने आपके कमरे का कुछ भी नुकसान किया तो उसकी पूरी भरपाई मैं करूंगा। 30 लाख तक का आपको हजाना मैं दिला सकता हूं इंश्योरेंस कंपनियों से। अच्छा मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे मिलेगा 40-50-60 रुपये। और इसी दलाली को कर करके मेरी कंपनी आज बन गई है करीब 16 खरब रुपए की। और मेरा नाम है एयरबीएनबी। मैंने एयरबीएनबी को सर 12 साल पहले स्टार्ट किया था। हम दोस्तों की उम्र थी 24-25 साल की सर। अच्छा सर एक बात बताओ, वो जो टैक्सी की पेमेंट आपने करनी है, वो जो कमरे की पेमेंट करनी है, वो जो आपने खाने की पेमेंट करनी है सर, वो 100 रुपए की 200 रुपए की 300 रुपए की, और उसको चलाने वाले को मिलना था 10 रुपए 20 रुपए, वो जो पैसे की पेमेंट करनी है सर, मेरे थ्रू कराइए सर, प्लीज मेरे थ्रू कराते हैं सर आप। सर 2011 में मैंने इसको स्टार्ट किया था सर, मजा नहीं आया इस काम के अंदर सर। 2016 में उठा के मेरा नाम था सिट्रस पे, मैंने पेयू को उठा के इस काम
को बेच दिया सर 10 अरब रुपए का। ये भी कोई काम है सर? कोई मोटा मोटा सा काम कराओ सर, कोई काम है सर? कुछ शरीर में कुछ कंपन हो रही है, कुछ घूस बम सो रहे हैं इस बात को सुन करके। आज रात को सोने से पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, कुछ कदम उठाने हैं, सोचे कि कैसे मैं अपने बिजनेस को कम से कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दे सकता हूं। आइए हमारा बिजनेस कोर्स ज्वाइन कीजिए, हजारों लोग आज तक इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। बिजनेस चलेगा नहीं साहब, दौड़ेगा, हर हालत में दौड़ेगा। सर सॉरी 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 सर, क्यों खाना मंगाते हो रेस्टोरेंट से? छोड़ो, हम दो दोस्तों ने सर सब्जियां पचाने का घर पे, सर ताजी सब्जियां, सर भिंडी तोरी आलू, सर केले, सर चाय 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 चाय, सर चाय की पत्ती, सर वो चीनी, सर सब कुछ आपके घर पे पहुंचा देंगे। सर कहीं पर भी आप जा कहोगे आपको वहां खाना पहुंचता हुआ मिलेगा। सर 5 साल पहले हमने काम स्टार्ट किया था, हम दो दोस्तों ने सर गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर, सर आज सिर्फ 1 खरब की हमारी कंपनी पहुंच चुकी है। सर क्या कर रहे हो सर? इन सब सौदों के अंदर पैसे खर्चने पड़ेंगे आपको सर, टैक्सी के पैसे खर्चने पड़ेंगे, कमरे के पैसे खर्चने पड़ेंगे, सब्जी भाजी खाना रेस्टोरेंट सब पैसे के सौदे। सर मेरे काम में आइए सर, कोई पैसे नहीं, दोस्तियां कराऊंगा, जिसके साथ में कहोगे वर्ल्ड में उसके साथ में पूरे दुनिया के अंदर आपको मैं घुमा फिरा दूंगा, आपकी पिक्चरों को आपकी वीडियो को। सर 15 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था सर, मेरी उम्र थी 19 साल की, नाम है मेरा मार्क जकरबर्ग, मेरी कंपनी का नाम है फेसबुक, और मैं आज करीब 350 खरब का होने वाला हूं सर। मैंने व्हाट्सएप खरीद लिया सर, मैंने इंस्टाग्राम खरीद लिया, और सर मैं कितने लोगों को कितना फंडिंग देता हूं सर मुझे नहीं पता, मेरा पैसा कहां कहां लगा हुआ है। 350 खरब का हो गया सर मैं 15 सालों के अंदर। अदानी अंबानी टाटा बिरला इन सबको यहाँ तक पहुँचने में जो आज हैं ये लोग 50, 60, 70, 80 साल लगे हैं, लेकिन आज के आए हुए लड़के सिर्फ 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 सालों के अंदर खरबपति बन रहे हैं, और ये हो रहा है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने ओला उबर का एग्जाम्पल दिया, आपको एयरबीएनबी का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको जोमेटो का, स्विगी का, फूड पांडा का एग्जाम्पल दिया, ग्रोफर्स का, बिग बास्केट का आपको एग्जाम्पल दिया। देखिए ओला उबर के अंदर ज़रूर आज करीब 20-25-30 लाख ड्राइवर आ गए हैं, उनको रोजगार मिला है, 20-30 लाख गाड़ियां बिकी, उनके एजेंट को फायदा हुआ, उनके परिवारों को फायदा हुआ, ये पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन कभी आपने सोचा वो 5-7-8 लाख जो काली और पीले रंग की टैक्सी पूरे देश में हुआ करती थी एम्बेसडर ऑफ फिएट, उनका क्या हुआ, उनके परिवारों को क्या हुआ? हमने एग्जाम्पल लिया एयरबीएनबी का, एयरबीएनबी के कारण से आज अमेरिका में, यूरोप के अंदर जितने भी लोग जिनके पास एक एक दो दो कमरे घर के अंदर हैं, पूरा फ्लोर है, वो अब बड़े आराम से उसको किराए पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को इनकम हो रही है, हजारों लाखों लोगों को इनकम हो रही है, एयरबीएनबी को हो रही है, उसके काम करने वालों को इनकम हो रही है। लेकिन आपने सोचा उन 5-स्टार होटल को, 4-स्टार 3-स्टार जितने भी होटल, उनका कितना बुरा हाल हुआ? ये 5-स्टार 4-स्टार 3-स्टार जितने भी होटल थे, इन लोगों ने सब मिल करके एयरबीएनबी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। क्यों? क्योंकि इन सबको नुकसान हो रहा है आज यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। हम लोग बात करते हैं जोमैटो की, स्विगी की, फूड पांडा की, उबर ईट की, इनके आने से जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं उन सबको घाटा हो रहा है, वो सब के सब सफर कर रहे हैं। ग्रोफर्स के, बिग बास्केट के आने से जितने भी वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं ग्रोसरीज वाले उनको नुकसान हो रहा है। मतलब कहने का ये है, जरूर ये अपॉर्चुनिटी है, आज आप कुछ 1 सालों के अंदर लखपति करोड़पति नहीं, आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं, खरब के ऊपर जो पद्म नील शंख है वो भी बन सकते हैं आप। लेकिन साथ में ये एक थ्रेट है, जितने भी कन्वेंशनल बिजनेस चल रहे हैं 85% बिजनेस को ये थ्रेट है, या तो गवर्नमेंट बचा रही है, बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये कन्वेंशनल बिजनेस हुआ धीरे धीरे हर महीने उनका बिजनेस थोड़ा 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 कम हो रहा है, ये होगा, ये जरूर होगा, 85% बिजनेस चेंज हो जाएंगे और डिजिटल बिजनेस आएंगे। अपने बिजनेस को अगर आप बचा सकते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आप को चेंज कीजिए। और ये चेंज कैसे करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को स्केल करना है, इसी बात का डिस्कशन हम लोग अपने कोर्स बेंचमार्क फॉर बिजनेस, करीब 6 महीने का कोर्स है, इसमें बिजनेसमैन आते हैं, हम लोग इस बात को बट डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन निकाल करके बिजनेस को स्केल करते हैं, बिजनेस जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा एक बात सुनिए, वो नीचे की तरफ एक लाल रंग का वो जो सब्सक्राइब बटन है ना सर, उसको हिट कर दो सर, साथ में एक घंटी है सर उसको बजा दीजिए। और क्या चाहते हैं हम लोग सर, वो जो नीचे एक शेयर का बटन है, दोस्तों के साथ में, दोस्तनियों के साथ में, यारों के साथ में, जिसके साथ में जाके उसको शेयर करो सर, क्या रखा है इन बातों के अंदर सर, लाइक करो, नीचे की तरफ जाके कमेंट करो सर, इतना तो बनता ही है सर। अभी तो मैं अप्रैल 2017 में आया था, 60-70 वीडियो मैंने आपको बना के दिए हैं सर, अच्छे अच्छे कमेंट लिखोगे नीचे की तरफ जाके कि मैं नई से नई वीडियो बनाता रहूँगा सर, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, या गुड नाइट।